सफ़र बेसिकली बहुत ही इतनी कोई खास कहानी नहीं मेरी लाइफ की, बट हाँ मैं इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। मेरे डैडी जो थे वो बहुत अच्छे डांसर थे, कृष्णा गोपी, और वो जो इंडस्ट्री में करते थे शायद आज तक कोई नहीं करता। ये आपको बता दूँ कि वो जो क्लोरोसेंट आता है वो अपने मुंह में रख के, क्लोरोसेंट लेके वो उससे फायर का डांस करते थे, पाँव में थाली डांस करते थे, नौ मटका लेके डांस करते थे। आप कई फिल्में हैं जो ओल्ड पुरानी फिल्म है, जैसे शान में यम्मा यम्मा गाना, उसमें फायर इफेक्ट है, या शोले फिल्म या कहीं पे, तो दैट्स माई डैड। तो वो करते थे और बस उनका एक सपना था कि वो कोरियोग्राफर बने। और वी आर बेसिकली स्टेइंग इन हियर इन इंडिया, सम स्लम एरिया, बहुत ही चाल जैसा घर था, स्लम थी, चाल्स थे। और जब मैं 10 साल का था तब मेरे डैडी गुजर गए, और वो हमेशा मुझे कहते थे कि मुझे कोरियोग्राफर बनना है, मुझे कोरियोग्राफर बनना है। और बेसिकली मुझे एक्टर बनना था। मैं तभी बहुत ही पतला स्लिम और बहुत ही अपने आप को ऐसे समझता था कि मुझे बस बनना है, कुछ एक्टिंग करता था, बहुत मिमिक्री करता था सब पुराने आर्टिस्ट की। लेकिन जब मेरे डैडी गुजरे, जब 10 साल के थे, उनका देहांत हुआ, तब बेसिकली मेरी घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि आई कैन स्ट्रगल या आई कैन डू समथिंग। मेरी सिस्टर थी, वो ग्रुप डांस करती थी कम सरोज जी के पास और कमल जी के पास। और एज ऑफ 12 मैंने अपनी स्टडी छोड़ दी एंड आई स्टार्टेड एज ए जूनियर आर्टिस्ट इन इंडस्ट्री। तो जूनियर आर्टिस्ट में मैंने काम किया हूँ 12 साल की उम्र से कुछ 14 साल तक। फिर मैंने अपने आप को ग्रुप डांस में, जो डांसर्स पीछे होते हैं उनके लिए ऑडिशन दिया एंड मैं सिलेक्ट हुआ। उसमें मैं 14 साल से लेके 16 साढ़े 16 साल तक, 17 साल तक किया। एंड देन फिर मुझे कमल मास्टर जी के यहाँ पे ऑफर मिला एज ए असिस्टेंट। कमल मास्टर जी बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे इंडस्ट्री के, जिन्होंने नमक हलाल या शराबी, बहुत पुरानी पुरानी फिल्में हैं, राज तिलक, जो मतलब कमल मास्टर जी के बिना जितेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, मिथुन, इन लोग सब काम नहीं करते थे। उनके पास मुझे एज ए असिस्टेंट एंड ग्रुप दोनों चांस मिला। तो जब 17 to 19 दो साल मैंने उनके साथ काम किया। एक बात ज़रूर दिमाग में चलती थी कि मुझे कोरियोग्राफर बनना है, मुझे पिताजी का सपना पूरा करना है। और वही स्लम एरिया में रह के आई जस्ट स्ट्रगल्स एंड एज ऑफ 19 सबसे यंगेस्ट कोरियोग्राफर था मैं बॉलीवुड में। आई स्टार्ट इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट स्टार्ट किया, स्ट्रगल किया, छोटे मोटे फिल्में, टीवी सीरियल्स, एडवर्टाइज, कमर्शल्स, ऐसे करते 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 छोटी छोटी फिल्में मिली, बॉयफ्रेंड, ये वो। मेरा सबसे पहला गाना चला था हाथों में आ गया, जो कल रुमाल आपका, शिल्पा शेट्टी का, ये। एंड देन 19 साल से लेके 24 साल तक बस स्ट्रगल जी चल रहा था। एंड मेरी सिस्टर ने मुझे कहा, मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि गणेश तेरा स्टाइल गोविंदा के साथ बहुत मिलता है, तो तू गोविंदा के पास जाके क्यों नहीं मिलता। एंड आई स्टार्टेड मीट गोविंदा, और गोविंदा को मिलना मतलब वो कमल जी के पास था, मैं असिस्टेंट मालूम था। फिर उनके पास मैं मिलता रहा। फिर उन्होंने मुझे एक गाना दिया, फिर मुझे डेविड धवन से इंट्रोड्यूस कराया, फिर डेविड धवन ने मुझे फिल्म दी, तो उसमें साजन चले ससुराल की। उसके पहले मैंने अग्नि साक्षी का एक गाना किया था, इकरार करना मुश्किल इनकार करना, हिट हुआ। और फिर बस उन्होंने मुझे कुलीनमोहन दी, साजन चले ससुराल दी, और पिक्चर हिट हो गए। एंड वहाँ से मैं बस एक एज ए कोरियोग्राफर स्टैब्लिश हुआ, क्या गणेश आचार्य का कोरियोग्राफर है। लेकिन कमल मास्टर जी जैसे मेरे डैडी थे, उनका सपना मुझे पूरा करना था, जैसे कमल जी थे उनको भी मुझे बताना था कि मैं कोरियोग्राफी कर सकता हूँ, क्योंकि आफ्टर दैट मैंने उनको अपने फादर और अपना गुरु माना था, मतलब कमल जी को। तो जब मैं इंडस्ट्री में एक पॉइंट पे हिट हो रहा था, तब उनका भी देहांत हो गया, कमल जी का। तो एक नोट पे उनका आशीर्वाद बहुत मेरे सर पे रहा, कमल मास्टर जी का, जल्दी कैसे काम ख़त्म करना है, कैसे कॉन्फिडेंस के साथ करना, किस तरह से आर्टिस्ट को हैंडल करना है, किस तरह से टेकिंग करना। तो बस उसके बाद मैंने कहीं मुड़ के पीछे नहीं देखा, करता रहा करता रहा करता रहा। और आज आई एम 41 42, आई एम डूइंग, दिस इज़ नॉट सीक्रेट, आई एम नॉट फिटनेस गाय, या आई एम अ स्पोर्टी गाय। मैं सबसे पहले बात तो ये बता दूँ कि मैं हिंदी बोलना बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगता है। आई एम नॉट कम्फर्टेबल एनी, बिकॉज मैं हिंदुस्तानी हूँ,
मुझे हिंदी बात करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत, कहीं पे भी दुनिया किसी भी कोने में जाऊँ पहले तो मैं पूछता हूँ आप हिंदी जानते हैं, फिर हिंदी बोलता हूँ। तो ये सबसे बड़ा स्पोर्ट्स होता है आपके अंदर कि आप अपने देश को अपने अंदर रख के एक बात करने में आप एक कॉन्फिडेंस लेके आते हो, तो उधर से मुझे लगता है कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, मतलब मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये डांस कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और बेसिकली जो मेरे डैडी है, मेरे पिताजी, उनका देहांत हुआ था अल्कोहल की वजह से, ड्रिंक की वजह से, स्मोक की वजह से, तो मैं बचपन से उस चीज़ से नफरत करता हूँ। मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं स्मोक नहीं करता, एकदम वर्कहोलिक हूँ, पागल हूँ। हाँ, मुझे खाने का बहुत शौक है, आई लव स्वीट एंड आई लव फूड, डिफरेंट डिफरेंट चाइनीज़, इधर उधर जहाँ खाना मिले वहाँ पे बस। और मुझे लगता है कि मुझे पूरे वर्ल्ड का, पूरे इंडिया का हर कोना पता है कि कहाँ अच्छा खाना मिलता है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं किसको ट्रेन नहीं करता, उसका कारण है कि मैं खुद ट्रेनिंग में हूँ। मैंने हमेशा अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट समझा है, अच्छा टीचर या अच्छा गुरु नहीं समझा या अच्छा सर नहीं समझा, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि आई एम नॉट रियली इन रियलिटी शोज काइंड ऑफ जज, काइंड ऑफ पर्सन नहीं हूँ। मैं बहुत ही अपने आप को जज करना चाहता हूँ, अपने आप को स्टूडेंट रखना चाहता हूँ, सर नहीं बनाना चाहता हूँ। तो मैं, हाँ, जो मेरे, मैं जो जानता हूँ वो लोगों को बताना हम्बली में बता सकता हूँ कि हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ये आप सीखो, लेकिन उनसे ज़्यादा मैं सीखता हूँ जब उनको बताता हूँ। तो आई एम वेरी गुड लर्नर, नॉट वेरी गुड टीचर। एक्सप्रेशंस, नॉट स्टेप्स, डेफिनेटली एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस करता है आपके मूवमेंट्स को, आपकी फीलिंग्स को, क्योंकि डांस वो होता है कि एक अच्छा डांसर तो डांस कर लेता है, लेकिन एक आम इंसान अगर आपकी कोरियोग्राफी के आपके मूव पे डांस करता है तो वो, और वो सिर्फ एक्सप्रेशन से आता है। अगर डांस आए भी ना, सिर्फ चेहरे को लेके यूं यूं करेंगे तो भी डांस हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऋतिक जो करता है वो कोई नहीं कर सकता, हर कर सकता है। ऋतिक ने भी बेसिकली सीखा है और यहीं पे किया है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि गुड लर्नर कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है अगर वो अच्छा लर्नर है। उसको ज़रूरत नहीं कि मुझे ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। आप अगर सच्चे दिल से उसको सीखने की चाह रखो तो वो आपको आएगी ज़रूर। आपको एक्सप्रेशंस भी आएगा, आपको डांस भी आएगा, हर मूव आएगा। डायरेक्शन किया, प्रोड्यूस किया, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हुआ, दैट इज़ ट्रू। आई स्टार्टेड माई प्रोडक्शन, आई डिड फर्स्ट फिल्म इन स्वामी, क्रिटिकली अक्लेम थी, कमर्शियली हिट नहीं थी, बिकॉज वो फिल्म कमर्शियली नहीं थी। और वो मैंने फिल्म बनाई भी थी कि मुझे पता था कि मैं कमर्शियल नहीं बना रहा, और उससे पहले बाद भी मैंने एंजल बनाई, वो भी कमर्शियल नहीं थी। दोनों ही ब्लैक मूवी थी, आर्ट मूवी थी, एंड आई एम हैप्पी दैट। अब जाके कमर्शियल बनाऊंगा, और कमर्शियल इसलिए नहीं बनाऊंगा कि आई वांट टू मेक मनी या आई वांट टू मेक नेम। मुझे इसलिए बनानी है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा डायरेक्टर हूँ, कमर्शियल भी हूँ, क्योंकि मैं कमर्शियल गाने करता हूँ, ये बस दिखाने के लिए। नो डांस, नो सॉन्ग, नॉट कमर्शियल थिंग कोई भी। और मैंने उसमें लिखा था, अ फिल्म कोरियोग्राफ बाय गणेश आचार्य। तो बेसिकली कोरियोग्राफ्ड का मतलब ये नहीं होता कि आप डांस मूवमेंट स्टेप करो, कोरियोग्राफ मतलब कोई भी एक मूवमेंट जो आप क्रिएट करते हो वो कोरियोग्राफ्ड होता है। तो मैंने लिखा था फिल्म कोरियोग्राफ बाय गणेश आचार्य, और उसमें गाने नहीं थे, डांस नहीं था। इट इज़ रिलेशनशिप अबाउट मदर फादर एंड सन। अब बेसिकली कला ये जात ऊंच नीच, पैसा अमीरी गरीबी नहीं देखता। कला ये देखता है कि आपके अंदर कितने सिंसियरिटी है, आप कितने पेशेंस है आपके अंदर, आप कितना उसको अच्छे लगाव से करते हो, उसके हिसाब से गॉड आपको उस कला को देता है, प्रेजेंट करता है। तो मुझे नहीं लगता कि एक कोई स्ट्रीट डांसर हो, या कोई एक जिसको भाषा नहीं आती, या जिसको बॉडी उसकी प्रॉब्लम से, या किसी, अगर उसके अंदर सीखने की चाह है, कुछ बनने की चाह है, तो आप ज़रूर कर सकते हो। बेसिकली मैंने बहुत नेचुरल जैसा हूँ, मैंने ऐसे बस से परफॉर्म किया। मैंने ज़्यादा, बेसिकली इट इज़ हम लोग के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, फॉर रेमो, प्रभु एंड मी, कि हम कोरियोग्राफर्स मिलके ये फिल्म कर रहे हैं जिसमें रेमो डायरेक्ट कर रहा है एंड प्रभु एंड मी एक्टिंग, तो उसमें सिंसेरिटी और ईमानदारी बहुत ज़रूरी थी।
और वो सिंसेरिटी और ईमानदारी फिल्म में एबीसीडी थी जिसकी वजह से फिल्म सक्सेस हुई। तो मैंने मेरा पार्ट जितना था कोशिश की कि अच्छा करूँ, प्रभु ने अच्छा किया, रेमो ने अच्छा डायरेक्शन किया, यू टीवी ने उसको अच्छा प्रेजेंट किया, उसके वजह से टोटली एबीसीडी सक्सेस। वैसे तो मैंने बहुत सारे गाने किए, किसी डिस्को में जाए डिड इन वन हाफ डे, वन डे, व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, जुड़वा, बहुत सारी फिल्में मैं एक दो दिन में किया। दैट इज़ फॉर ऑल माय गुरुज हैंड इन, मतलब मेरे गुरु जी मेरे सर भी हाथ रखे कि गणेश तू ये कर ले ये कर ले। तो मैं ऐसा कुछ सोचता नहीं हूँ कि मुझे एक दिन में करना है या चार दिन में करना है। आई सीन द प्रोड्यूसर फेस, ही इज़ इन ट्रबल, तकलीफ में है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मैं वो सॉल्व करता हूँ, उसमें मेरी एक सच्चाई होती, तो वो जाके गाना हो जाता है। कि प्रोड्यूसर बोलता है डेट नहीं है, या बोलता पैसे नहीं है, या बोलता है आर्टिस्ट का प्रॉब्लम है, या ये जगह ठीक नहीं है, आपको करना पड़ेगा, तो मैं बस उनको देखते हुए कर लेता हूँ और वो गाना हिट हो जाता है, क्योंकि मेरी उसमें सच्चाई है और उनकी सच्चाई है। नहीं वो पेन तो है लेकिन दे पे मी फॉर दैट, तो मेरा घर चलता है उनके वजह से, मेरे मेरे साथ मेरे असिस्टेंट लोग का घर चलता है, कई डांसरों का घर चलता है। तो मैं उस चीज़ में मानता नहीं कि भैया कोई एक बकरा आया तो उसको काट के खा जाओ एक साथ। मैं सोचता हूँ कि भैया ये प्रोड्यूसर है, ये एक फर्स्ट फिल्म कर रहा है तकलीफ में, अगर इसको अभी निकाला जाए तो दो फिल्में और करेगा तो शायद हमको डांसर असिस्टेंट को अच्छा काम मिलेगा। मेरी थिंकिंग ये होती है क्योंकि मुझे गुरु ने या मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही सिखाया। इससे मेरे साथ बेसिकली कुछ भी नहीं है, मेरी जर्नी बहुत स्मूथ रही और कंटिन्यू मैं आज 20-22 साल से कर रहा हूँ कोरियोग्राफी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कोरियोग्राफी करना और डिफरेंट फिल्म करना, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ में कि मुझे मैंने जितने गाने किए सब अच्छे किए, दे आर ऑल माई चाइल्ड, मैंने उनको अपने मैंने उनको जन्म दिया अपने कोरियोग्राफी में, तो मेरे बच्चे सब मुझे अच्छे लगते हैं और वो आज लोगों के पास जाते हैं, लोग सुनते हैं, उनके ऊपर डांस करते थे, आई एम हैप्पी दैट। मैंने आपको सबसे पहले ही कहा कि मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ, आई लव, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे हिंदी भाषा, हिंदूपना और बहुत अच्छा लगता है और मैं प्राउड करता हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं जब बाहर जाता हूँ देश में और जब प्लेन लैंड होता है इंडिया में तो उसकी जो खुशबू आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मतलब मेरे को स्वर्ग मिल गया है, मुझे कुछ मिल गया है। तो मैं बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं प्योरली इंडियन हूँ, आई लव माई इंडिया, मुझे उसकी खुशबू अच्छी लगती है, मुझे उसकी कोरियोग्राफी उससे आई जन्म हुई अच्छी लगती है। मैंने बेसिकली डेविड धवन जी के साथ बहुत काम किया, राजकुमार संतोषी के साथ, इंदर कुमार के साथ, बहुत सज्जन के साथ किया, फिर राजू ईरानी के साथ किया है, फिर राकेश मेहरा के साथ किया, विशाल भारद्वाज के साथ बी डी जलेले किया, ऑल वेरी गुड डायरेक्टर्स। बहुत सालों के बाद अग्निपथ में मैं एज ए ग्रुप डांसर था और अग्निपथ दूसरी बनी जिसमें मैं कोरियोग्राफर था, मुझे चिकनी चमेली फिल्म बनी, उसके अवार्ड मिले, करण जौहर, उसके जो डायरेक्टर करण मल्होत्रा, सब बहुत अच्छे थे, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया, और ख़ास करके तो मतलब उनको मैं अच्छा लगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे बस बेसिकली मैं क्या टिप दूंगा, आज की जनरेशन बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत सिंसियर है, वो जानती है कि भैया आज बॉलीवुड में काम करना इतना मुश्किल नहीं है, अगर हम एक काम प्रॉपरली और अच्छा करें तो हमारी लाइफ कहाँ से कहाँ हो सकती है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ जितने यंगस्टर्स हैं, जितने बॉलीवुड में इन हो रहे, कि कीप हार्ड वर्किंग, मेहनत करो, सच्चे दिल से मेहनत करो, जो आपको चाहिए मिलेगा, अगर उसमें ज़रा भी खोट होगी तो शायद नहीं, लेकिन सच्चाई से करोगे तो ज़रूर मिलेगा।